बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमेरिका तो शहजाद बाजवा। अपने चैनल दे उत्ते मैं अपने तमाम सज्जन वेलियां दोस्तों नूं ते मेरा यह चैनल वेखण वालियां नूं मैं दिल दी गहराई दे नाल जी आया नूं कहिंदा हां। ते अज दे इस वीलॉग दे विच मैं तुहानूं इत्थे दिखावांगा कि इत्थे अमेरिकन जड़े ने या पाकिस्तानी मुसलमान जड़े ने वो अपने रोजगार दे नाल जुड़े रहने दे नाल नाल जड़ा वे अपने दीन दे नाल वो किस तरीके दे नाल जुड़े ने और इस्लामी दीनी तालीमो तरबियत ते अल्लाह ताला दी इबादत दे सिलसिले दे विच जड़ा है ना जी वो अपना किरदार जड़ा है किवें निभांदे ने और इहदे नाल इत्थे दा जड़ियां ने मस्जिदां दा किरदार जड़ा है ना जी वो बहुत वड्डा है। उत्थे इस तरह हुंदा है कि इन्हां दी कोई मैंबरशिप जनाब जिहड़ी इन्होंने बनाई हुई है तो मैंबरशिप के नाल उन्हां दे जितने भी इत्थे साडे मुस्लिम कम्यूनिटी के जितने भी मैंबरान हुंदे ने वह बकायदा तौर दे उत्ते मस्जिद इंतजामिया दे नाल और सोशल मीडिया दे विच और वट्सएप ग्रुप दे विच ते नाल ईमेल दे जरिए वो कनैक्टेड रहिंदे ने। इत्थे साडे नाल ही लागे जनाब जिहड़ा है ना मैरीलैंड ही शुरू हो जाता है नाल उहदे नाल मैरीलैंड का एक शहर है बिल्कुल करीब ही है तो जिन्हों पंजाबी च असीं कहिंदे आ लागे ही है भी तो वो इत्थे वो उहदा शहर का नाम है एल्कटन। तो एल्कटन दे विच मस्जिद जिहड़ी है आयशा जिहड़ी है चंद साल पहले ही बनी है इत्थे तो उहदे वास्ते जिहड़ा है ना जी इन्हां ने कोई होर कोई फंड रेजिंग का कोई प्रोग्राम जिहा बनाया और उहदे वास्ते उन्होंने कम्यूनिटी दे जिहड़ा है ना जी अपना कॉल की है एरिए दे विच जिथे मैं जा रहा एल्कटन दे विच ते मैनूं दस्या गया कि इत्थे पहले जिहड़ा है ना जी कोई बकायदा जिहड़ी है ना इत्थे मस्जिद जिहड़ी है ना वो कोई नहीं सी है ते इत्थे सिर्फ वो एक जिहड़े ना जी बड़े ही खुदा तरस डॉक्टर नियाज अहमद साहब ते डॉक्टर नियाज साहब दा एक्चुअली इत्थे जिहड़ा है ना क्लीनिक सी ते ओ जनाब जिहड़ा है ना जी अपने उस क्लीनिक दे विच ही अपर पोर्शन दे उत्ते उतले पोर्शन दे उत्ते उत्थे उन्होंने जिहड़ा है ना जी एक मुसल्ला बनाया सी नमाज कायम करन दी लोगों नूं जिहड़ा है ना जी सहूलत दित्ती होई सी ताकि वो लोग जिहड़े ने ना जी इत्थे अपना आसानी दे नाल जिहड़ा है ना जी वो नमाज वगैरह अदा कर सकन ते ओ उत्थे जुम्मा भी हुंदा सी ते नमाज दी भी सहूलत है सी मगर इस दे नाल नाल उन्हां दे दिल दे विच इस चीज़ की बड़ी ही खलिश सी कि यार इत्थे पूरा एल्कटन मैरीलैंड दा काफ़ी अच्छा शहर है और डेलवर दे बिल्कुल नाल ही है चंद माइल दे फासले दे उत्ते और ऐ वो शहर है एल्कटन दा मैं दाखिल हो गया वहाँ मैरीलैंड दा ते जिहदा मैं जिक्र तुहानू कर रहा वहाँ ते उन्हां नूं इस चीज़ की जिहड़ी है ना बड़ी खास सी कि यार के इस इलाके दे विच जिहड़ा है ना चूंकि मस्जिद कोई नहीं है एक मस्जिद जिहड़ी है ना जी होनी चाहिए है तो ये वास्ते उन्होंने फिर जिहड़ा है ना जी अपना कोशिशां जारी रखिया और बिल आखिर उन्होंने जनाब जिहड़ी है ना जी एक प्रॉपर्टी सामने आई तो उन्होंने अपने जिहड़े ने चंद एक दोस्तों के नाल जिक्र किया डॉक्टर डॉक्टरी तंजीम के नाल ही तो वो चंद दोस्तों ने वह मिल के जिहड़ा है ना जी सब तो पहले उन्होंने वो कैश के उत्ते आप ही वो प्रॉपर्टी जिहड़ी है ना चंद दोस्तों ने मिल के वो खरीद के ते उन्होंने जनाब इस नूं बकायदा मस्जिद के नाम के उत्ते वक्फ कर दिता ते हुण आके जिहड़ा है ना जी वो इतनी माशाल्लाह इस पासे जिहड़ा है ना जी ग्रोथ हो गई है मस्जिद की कि इत्थे पाकिस्तानी कम्यूनिटी की इतनी कु ग्रोथ हो गई हुई है तो वो जगह जिहड़ी है ना छोटी पै गई है तो इस पासे उन्होंने जनाब जिहड़ा है ना जी ये क्या कि यार इस नूं जिहड़ा है ना जी कोई वधाना भी चाहिए तो वह मस्जिद के नाल ही एक प्रॉपर्टी जिहड़ी है ना जी और सामने आई है इमारत जिहड़ी है ना जी बराए फरोख जिहड़ी है तो उन्होंने नाल जिहड़ा है ना जी यही दोस्तों के नाल मशवरा किया कि जनाब जिहड़ा है ना क्यों ना असी जी प्रॉपर्टी जिहड़ी है ना जी खरीद के तो असी इहनूं भी एक मस्जिद का हिस्सा बना दिए। डॉक्टर नियाज अहमद साहब ने जिहड़े मस्जिद के प्रेजिडेंट ने और इन्होंने ही ये मस्जिद जिहड़ी है दोस्तों की मदद के नाल खरीद के इसनों बकायदा मस्जिद वास्ते वक्फ कर दिता। वो अजीम शख्सियत ने जिन्हां दी इत्थे खिदमात जिहड़ियां ने
मेडिकल के हवाले के नाल भी और बहुत ज़्यादा ने और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के नाल भी ये जड़ा है ना जी बहुत ही ज़्यादा टच ने और लोगों की सेहत के मामले के विच भी ये बहुत ज़्यादा जनाब जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो मेडिकली तरीके दे नाल जड़े इन्हां दे निहायत ही जड़े फायदेमंद जड़े मशवरे आए हैं वो असी एक अलहदा इन्हां कोलों पुछांगे। लेकिन फिलहाल मैं इत्थे आया वहाँ एल्कटन दे विच मैरीलैंड दे विच डेनवर दे नाल ही है और मैं जनाब जो इन्हां नूं पुछांगा कि डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब मैं इतने अज आया वहाँ मैं बहुत हैरान होया काफ़ी ज़्यादा कम्यूनिटी इतने इकट्ठी हुई और मैं ये पता चलिया कि तुम पहले तो डेलवर के विच भी अपना पूरा जनाब जड़ा है ना इस्लामिक सोसाइटी ऑफ डेलवर के विच अपना पूरा किरदार अदा करते रहे और काफ़ी लोंग टाइम के उत्तों तुम उन्होंने नाल टच हो और हर तरह की उत्तर खिदमत की। तुम ये दसो कि मैं ये पता चलिया कि तुम चंद साल पहले इतने एक मस्जिद भी जड़ी है ना प्रॉपर्टी खरीद के प्रॉपर्टी खरीद के तुसी मस्जिद वास्ते वक्फ कर दी है तो ये जनाब जड़ा है ना किस तरीके दे नाल ख्याल आया इस चीज़ का कि एल्कटन दे विच भी एक मस्जिद होनी चाहिए है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी बेगम साहिबा जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन पंजाबी बोलती हैं, वो पंजाबी और लेकिन उनकी पंजाबी मैं समझ लेता हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो वो हंसती हैं, तो मैं उर्दू में बोलना मुनासिब समझूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप डॉक्टर साहब आप उर्दू में बात कर सकते हैं। कोई बात कोई बात। तो बात ये थी कि आपको पता है पहले हम लोग ने इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद इब्राहिम में इब्तिदा की थी और मस्जिद इब्राहिम में हमने जो है एक स्कूल बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से और लोगों के तआवुन से इस्लामिक एकेडमी ऑफ डेलीवर जो कि आज है, उससे पहले वो अलहम स्कूल था और फिर वो एक ट्रेलर स्कूल था जो हमने घर से शुरू किया था। अल्लाह ताला ने उसमें तकवियत दी, फिर वो मिश्का एकेडमी बना, मिश्का एकेडमी के बाद फिर वो अलहम के बाद वो IAD इस्लामिक एकेडमी ऑफ डेलीवर बना और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने एक और बिल्डिंग ले ली और वो अब वो हाई स्कूल बन रहा है, तो अल्लाह ताला मदद करता है। फिर जब हम एक्टन आए तो एक्टन में मेरा ऑफिस था, लोगों ने कहा यार नमाज़ पढ़ने की जगह होना चाहिए, पूरी सीसल काउंटी में कोई मस्जिद नहीं है, तो हमने एक मुसल्ला स्टार्ट किया, मतलब एक एक कमरा लेके उसमें नमाज़ पढ़नी शुरू की। अल्लाह ताला ने क्लिनिक में हम क्लिनिक के ऊपर एक कमरा खाली था, एक कमरा हमने कहा चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर लोग आना शुरू हो गए। अल्लाह ताला ने फिर हमें ख्याल आया कि 5 दिन के इसको कैसे ओपन रखे, तो अल्लाह ताला ने एक तबलीग जमात आई, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक बंदा है वो यहाँ आके रह जाएगा और आप जो है इसको 5 वक्त नमाज के लिए भी ओपन रख सकते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने मदद कर दी, 5 वक्त नमाज होने लगी। 5 वक्त नमाज होने लगी तो फिक्र हुई कि भाई मस्जिद बनाए, और अल्लाह ताला ने एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने मस्जिद आयशा के नाम से एकदम से एक सेल पर आई और हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस से भी वो कम मांग रहे थे तो हमने फ़ौरन ले ली। अब वो मस्जिद आयशा ले ली, तो मस्जिद आयशा के पीछे अब अल्हम्दुलिल्लाह वो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आई है और उस प्रॉपर्टी का मसला ये है कि वो हमारी प्रॉपर्टी से अटैच है और हमारी प्रॉपर्टी उसके सामने है, तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी आप ही ले लें क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, तो हमने उसकी बिड डाली हुई है और इंशाल्लाह ताला वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो काफ़ी मार्केट के मुकाबले में हमसे कम पैसे लेने को भी तैयार हैं, तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल है। मस्जिद के साथ है नई प्रॉपर्टी, बिल्कुल अटैच है मस्जिद के साथ है और काफ़ी बड़ी है, उसमें बहुत सारी दूसरी एक्टिविटी भी होंगी, स्कूल के अलावा दावा का प्रोग्राम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम, मदरसे का प्रोग्राम, हिफ्ज़ का प्रोग्राम, बहुत सारी एक्टिविटी और इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। सही, फ्यूचर का प्लान क्या है, उसमें उसको मस्जिद का हिस्सा बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे? तो देखिए अभी हमारी मस्जिद छोटी है तो हमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि औरतों के लिए जगह कम रहती है तो वो बेचारी तकलीफ़ में रहती हैं, तो एक तो सबसे पहले ये कि जो अभी की मस्जिद है इसको औरतों का सेक्शन बना देंगे, उसको मर्दों का सेक्शन बना देंगे। दूसरी चीज़ जो है हमारा यहाँ पे दावा की एक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से नए मुस्लिम भी आते हैं, टीचिंग प्रोग्राम भी होता है, हम लोग यहाँ से जेलों में भी जाते हैं, वहाँ पे भी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जुम्मे की नमाज और दूसरी, तो उस सिलसिले में भी हमारे पास काफ़ी लोग आते हैं, ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप इधर अमेरिका में काफ़ी देर से ये इस्लाम की तालीमों तरबियत और तबलीग के लिए अपने प्रोफेशन से वक्त निकाल के ये भी काम कर रहे हैं, यकीनन यही काम जो है ना जी फलाह का काम है। मुझे ये बताइए कि अमेरिका में कभी आपको ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी आपको किसी चीज़ की कोई रुकावट आई हो, उन्होंने मस्जिदें बनाने से मना किया हो या तबलीग से मामले में मना किया हो,
क्या कभी कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? नहीं, मेरा ख्याल है कि इस मामले में हम बहुत ज़्यादा, मैं कहेंगे कि लकी भी हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ के लोग तावुन भी करते हैं। हमने जब यहाँ दावा का वर्क स्टार्ट किया मस्जिद आयशा के गिर्द पेश, तो हमने डिसाइड किया कि डोर टू डोर जाएंगे। डोर टू डोर गए, हमें लोगों ने कुछ हमें डराया भी, लेकिन हमें हैरत हुई, लोग बड़े खुश हुए। यहाँ तक कि हम कमर्शियल ऑफिस में भी गए और हमने देखा कि हमने डोर नॉक किया, कोई साहब निकले, उससे बात की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान भी हो गए, फिर मस्जिद भी आने लगे। यही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ऑफिस में भी गए तो पुलिस का जो चीफ है वो हमारी मस्जिद आया, उसको हमने एक घंटे इस्लाम सिखाया, और बहुत सारे लोग आए। तो हमें तो इसमें बड़ी तकवीत मिली, और मेरे ख्याल में हर मुसलमान को डोर टू डोर जाना चाहिए। इससे एक तो इस्लामिया फोबिया में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जो लोग इस्लाम पे नहीं भी एक्सेप्ट करते तो उनको ये हो जाता है कि यार आप अपनी मस्जिद में इन्वाइट कर रहे हैं, खाने पर बुला रहे हैं, चाय पर बुला रहे हैं, तो ये हमारे जैसे हैं। वरना लोग अक्सर बात करते हैं कि यार मुसलमानों को क्या होगा, फलानी जगह ये हो रहा है, अब क्या होगा। अगर आप इनके पास जाएंगे, उनको अपने पास बुलाएंगे, तो ये आप देखेंगे ये आपके दोस्त बन जाएंगे। याद रखिए कि मोहब्बत में ज़्यादा ताकत है बनिस्बत नफरत के। जब आप अपनी मोहब्बत इनको दिखाएंगे तो ये आपको उतनी ही मोहब्बत दिखाएंगे। तो इनको उससे डरे नहीं, आप इनके पास जाएँ, इनको अपनी मस्जिद बुलाएँ, इनके साथ खाना खाएँ, इनको इस्लाम का भी पैगाम दें। ये एक्सेप्ट नहीं भी करते तो इस्लामी फोबिया इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप यहाँ के नहायत ही मसरूफ़ तरीन डॉक्टर हैं, और हर वक्त आपके क्लिनिक, कभी आप एल्कटन में होते हैं, कभी डेलवर में होते हैं, कभी मुख्तलिफ़ जगह पर होते हैं, तो आप अल्लाह के कामों के लिए इतना वक्त कैसे निकाल लेते हैं? देखिए, कुरान में ये हुक्म है कि हर मुसलमान को ये काम करना है। वमन कौल ऐसा दाए अल्लाह है, कि बेहतरीन कौल यह है कि अल्लाह की तरफ बुलाओ। जब आप वक्त निकालते हैं तो अल्लाह ताला वक्त आपको देता है। हम बहुत दूर सोचिए कितना वक्त हम ज़ाया करते हैं, कितना वक्त पहले मैं इधर उधर ज़ाया करता था, कभी क्रिकेट खेलना है तो कभी महफिल में बैठे, अब मैंने वो सारी एक्टिविटी अपनी मस्जिद में कर दी है। आप अगर अपने काम के अलावा वक्त मस्जिद में लगाएं तो आप देखेंगे सैकड़ों काम आप कर लेंगे। हमें पता नहीं हम कितना काम सोशल मीडिया पर ज़ाया कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, पार्टी सब मस्जिद में करो। अब मैंने जो अपने तरतीब ये बनाई है कि वीकेंड जो है पूरा मस्जिद और इसके काम में लगाना है, शाम सारी मस्जिद इसके काम में लगाना है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जैसे आप खड़े होते हैं आपको देख के दसियों लोग और आ जाते हैं। अब तो औरतों की भी हमारी टीम है जो कि औरतों के करेक्शन में यानी जेल में जाती है, औरतों अच्छा। को डालने, आपने सुना था डॉक्टर मरियम क्या बता रही थी, हर दूसरे तीसरे हफ्ते दो तीन औरतें मुसलमान हो रही हैं। और हमारा अपना तजुर्बा है, हम जेलों में जाते हैं, वहाँ कुरान पढ़ाते हैं, दर्ज देते हैं, सैकड़ों लोग मुसलमान हो जाते हैं। वाह, तो ये वक्त तो निकालना पड़ेगा। और अगर दुनिया भर में आपकी आवाज़ जा रही है, मेरे चैनल के थ्रू मुख्तलिफ ममालिक में आपकी आवाज़ सुनी जा रही है, आप वहाँ के मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे? मैं ये पैगाम दूंगा कि आप अगर अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े पर खड़े हो जाएँ तो अल्लाह की मदद आपके साथ लाजम मलजूम है। इस वक्त मुसलमान जो अपने आप को इतना एक तरह का खौफ कर रहे हैं, आपको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, और उसको पकड़ने का सबसे बड़ा मुजाहरा यह है कि इनके पास जाना है, इनको पैगाम देना है। रसूल सल्लम की मक्का की ज़िंदगी क्या थी, वो उनको तशद्दुद कर रहे थे, हर किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद था, जान का भी ख़तरा था, लेकिन रसूल सल्लम की क्या स्ट्रेटजी थी, दावत, तबलीग, दावत। और उसके सूरत में क्या हुआ कि ऐसे बड़े बड़े लोग जैसे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, ये क्या नाम है, मुसलमान हो गए, और बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, उसकी वजह से उनको तकवीत मिली। तो ये मुसलमान को आज करना है, हम ये नहीं कर सकते बैठ के बस मुसलमानों की यूनिटी बनाए, हमें इनके पास जाना है, इनको लेके आना है मस्जिद में, इनको मस्जिद दिखानी है, फिर आप देखेंगे कि यही आपके लिए काम करेंगे, यही आपको इंशाल्लाह ताला अल्लाह की मदद से प्रोटेक्शन भी देंगे, और यही आपका काम लेके आगे चलेंगे, और यही सदका जारी भी होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपकी तमाम काविशें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आपकी मेहनत करे कामयाब हो जाए, और आप ये जो प्रॉपर्टी दूसरी भी खरीदने के लिए मस्जिद को वसी करने की खातिर जो जो अपनी मेहनतें कर रहे हैं, और कम्युनिटी भी आपका साथ दे रही है, हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द वो प्रॉपर्टी भी इस मस्जिद का हिस्सा बना दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। मैं माजत खाऊँ कि मैं आपके साथ अच्छी पंजाबी नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी पंजाबी आप सुनना भी नहीं चाहते तो लेकिन जो भी सुन रहे हैं,
हम सब एक भाई हैं और बहन भाई हैं और हम सब में अंदर अकवत मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया और हम सब मिलजुल के एक फैमिली की तरह है कि एक हाथ में दर्द है तो दूसरे हाथ को भी महसूस होना चाहिए कि हाथ में दर्द हो रहा है। ये डॉक्टर मरियम साहिबा जड़ियाँ खातून डॉक्टर ने और इतने डेलवर दी एक मशहूर शख्सियत गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर ने वो भी अपना जड़ा इस बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही ने और खवातीन दे विंग दी वो इंचार्ज ने ते और वो सारे हाजरीन नू दस रही ने कि असी किस तरीके दे नाल जड़ा है ना जी एफर्ट कर रहे हैं मुस्लिम फैमिली इकट्ठा करन दे विच ते और ये नाल नाल वो अपनी मस्जिद दे विच जड़ियाँ खिदमात ने और मस्जिद दे आन वाले जड़े चैलेंज ने उन्हां नू किस तरीके दे नाल असी जड़ा है ना जी कंट्रोल कर सकने हैं और फ्यूचर दियाँ सारियाँ जड़ियाँ ने चीज़ों नू मद्देनज़र रखदे होया डॉक्टर मरियम अपने ख्याल का इजहार कर रही ने। है जनाब मेरे सामने इत्थे दी बड़ी मशहूरो मारूफ शख्सियत चाइल्ड स्पैशलिस्ट डॉक्टर मुहम्मद अली साहब ने मेरे नाल ने और इन्हों का तलक भी पाकिस्तान दे विचों में और मस्जिद दे आयशा दे ये जनाब जड़े ने ना बानी मैंबर ने जी डॉक्टर साहब मस्जिद आयशा बनाने का ख्याल प्रॉपर्टी लैन का ख्याल तुहानू किवें आया और किवें इहदा इंतजाम तुसीं चला रहे जे? तो इस टाउन में ये बहुत पुराना टाउन है सदियों पुराना टाउन है और इसमें कोई मस्जिद नहीं थी और मुसलमान थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5-6 साल मस्जिद बनाई एक ऑफिस में और अब वो मस्जिद पर हमने ये प्रॉपर्टी खरीदी है और अब वो प्रॉपर्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं माशाल्लाह तो मुसलमान यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और कम्यूनिटी काफ़ी बढ़ रही है और उनकी ज़रूरतें हैं चाइल्ड एजुकेशन और कुरान सुन्नत की तालीमात नमाज की जगह एक कम्युनिटी सेंटर की हमें ज़रूरत है तो हमने ये जगह ली माशाल्लाह और बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है और अब हम इंशाल्लाह उसको एक्सपेंड करने लगे। डॉक्टर साहब मस्जिद के हवाले से अभी जैसे आप ये कह रहे थे कि ये फंड रेजिंग किया गया है तो आप ये जो है ना मस्जिद के साथ नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं इस सिलसिले में हमारी यहाँ की कम्युनिटी कितना तावन कर रही है आपके साथ और क्या आप वो प्रॉपर्टी चूंकि आप कैश पे लेना जा रहे हैं तो क्या वो इतने पैसे हो जाएंगे कि आप कैश पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकें? जब कैश पे तो डायरेक्ट नहीं होता लेकिन नो हम पेमेंट अरेंजमेंट कर देंगे कि हम 70,000-75,000 हर साल देंगे और 3,000-25,000 की प्रॉपर्टी है इंशाल्लाह एक साल दो साल में इंशाल्लाह ये कम्प्लीट हो जाएगी उसके पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब यहाँ की कम्युनिटी को मस्जिद के हवाले से आप भी पैगाम देना चाहेंगे? हमारी पैगाम यही है कि अल्लाह उसके रसूल के अहकाम पे चले भाइयों की तरह रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें और मस्जिद के साथ रابطہ रखें कुरान पढ़ें रसूल वसल्लम की हदीस पढ़ें और अपनी कम्युनिटी के साथ रابطہ रखें ताकि मुसलमानों के दरमियान ज़्यादा सेंस ऑफ कम्युनिटी हो ज़्यादा मिलना जुलना हो और ज़्यादा जो है भाईचारा हमारी कम्युनिटी के दरमियान कायम रहे। जी डॉक्टर साहब पाकिस्तान में कौन से शहर से ताल्लुक है आपका? मैं पेशावर से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा पेशावर से ताल्लुक है तो यहाँ आप अमेरिका में कब आए थे? मैं अमेरिका में 1988 में आया। 88 में? हाँ काफ़ी अरसा हुआ है। अच्छा 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 मेरे सामने जनाब जड़ा है ना जी फहीम अख्तर साहब ने ये भी मस्जिद दे जनाब जड़ा है ना जी बहुत ही अच्छे और मेहनती कारकुन ने मस्जिद दी निहायती खिदमात जड़ियाँ ने करते ने अपने काम दे उत्तों कढ़ के ते मस्जिद दी बहुत ज़्यादा खिदमत करते ने असी इन्हां दे कोलों भी अज पुछने हाँ कि जनाब है मस्जिद आयशा दे वाले दे नाल अज जड़ा इत्थे फंड रेजिंग दा और डिनर दा इत्तमाम कीता गया और इहदा बुनियादी मकसद जड़ा है ना जी वो की सी कि तुसी क्यों इन्नी कम्युनिटी नू इकट्ठा करके ते तुसी ये जनाब जड़ा है ना अज दा फंक्शन कीता? जी अस्सलाम वालेकुम अज जड़ा फंक्शन साडा सी ओह सी फंड रेजिंग दा फंड रेजिंग जड़ा हुंदा है असी मस्जिद दे खर्चात जड़े ने सानू ओह चलाण लई यूटिलिटी बिल्स हुंदे ने साडे कोल एक्सपेंसिस हुंदे ने साडा संडे स्कूल हुंदा बच्चां नू कुरान मजीद पढ़ाण दा
तालीम देन दा, इस्लामिक तालीम देन दा, असी ओदे लई अपनी सारी कम्यूनिटी नूं इकट्ठा करीदा ते फिर कहीदा कि मस्जिद नूं डोनेट करो। डोनेशन जिहड़ी है ना ओह खाली फाइनैंशियल नहीं हो सकती, वह स्किल्स भी बेस हो सकती है। जे तुहानूं अच्छा पढ़ाना आंदा है, कुरान दी पढ़ाना आंदा है, या तुहानूं कुछ भी तुहाडे अंदर स्किल्स है, तुसीं मस्जिद लई डोनेट करो, मस्जिद नूं टाइम दिओ। मस्जिद नूं चाहिदा साडी न्यू जनरेशन, यंग जनरेशन जिहड़ी आने वाली है, खास तौर ते ऐसे मुल्क जिद्दे असीं रह रहे हैं जिथे इस्लाम का कोई कॉन्सैप्ट हले सानूं नहीं पता या सारे बच्चों नूं नहीं पता, उत्थे आ बहुत जरूरी है। साढ़े खास तौर च बिल्ट अप होने वाले बच्चे थर्ड जनरेशन लई बहुत जरूरी है कि उन्होंने पता हो कि मस्जिद लई दीन लई किदां खिदमात अंजाम दित्ती जांदियां ने, किदां तुसीं उन्हां नूं सर्व करीदा है। या जदों अपने पेरेंट्स नूं देखदे ने, जिवें मैं एक यंग पेरेंट हाँ, तो वह देखते हैं कि साडा वालिद साहब काम कर रहे हैं, तो सानूं भी नैक्सट इन्हां दे नाल हैल्प करनी है, वह भी मस्जिद लई फ्री ऑफ कॉस्ट, दैन वी नॉट चार्ज एनीथिंग, इट्स अ वॉलंटियर, सो वी सर्व फॉर एनीथिंग विच इज़ वॉलंटियर, दैट इज़ फॉर मस्जिद डोनेशन बेसिकली। सो मैं साढ़े लिए जिमें असी हूँ मस्जिद नू बदान लिए एक नवी बिल्डिंग बाय कर रहे हैं, तो वो लिए भी अच्छ सारी कम्यूनिटी नू गैदर किया गया, उन्होंने दिखाया गया कि जी ए सारी बिल्डिंग है, इनू असी इकट्ठे कर रहे हैं, या ये सानू पैसे चाहिए ने, जिसे अच्छे संडे स्कूल करा, जिसे बच्चे आके कुरान जी सीखे, कुरान की तालीम लेगी। आज कोई अच्छा रिस्पांस मिले जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तुम्हारा आज का गोल तो मेरा ख्याल है $1.5 लाख सी, ते तुसी मतलब आज कितना इकट्ठा कर चुके हो? पहला फंड रेजिंग सी है तुम्हारा? साडा दूजा फंड रेजिंग सी, सादी मस्जिद 2020 स्टार्ट हुई सी, 2020 साडी मस्जिद स्टार्ट हुई सी, मस्जिद आयशा, मस्जिद आयशा बड़ी छोटी जी मस्जिद सी जी जी, ते माशाल्लाह हुन अल्लाह ताला ने इनू भाग लाया, ते हुन असी एक वड्डी मस्जिद वल जा रहे हैं क्योंकि सारी कम्यूनिटी ज्यादा हो गई है, मुस्लिम कम्यूनिटी ज्यादा पता लग रहा है लोगों को, इत्थे भी कम्यूनिटी है। ते एलकटन च पहली मस्जिद है, एलकटन च पूरी साडा जिथे स्टेट च असी रहने हैं, जिस सिटी च असी रहने हैं, इत्थे होर कोई मस्जिद नहीं, इह साडी अपनी पहली मस्जिद सी जिहदी असी 2020 स्टार्ट कीती सी। मस्जिद बाय करिए, डॉक्टर न्याज साहब ने, डॉक्टर खान साहब ने, ते बाकी सारे जिन्ने साडे मुस्लिम कम्युनिटी दे ब्रदर सिस्टर सारे हेल्प करदे ने इस नूं चलान लई, जे डॉक्टर मरियम फीमेल सेक्शन से भी काफी डॉक्टर्स जेड़ियां ने या लेडीज जेड़ियां ने हेल्प कर दिया। ते तुसी हुण जेड़ी ओ मस्जिद खरीदन जा रहे हो ओदे विच तुसी जनाब जेड़ा की फ्यूचर दा प्लान है ओनू मस्जिद दा हिस्सा ही बना दोगे, मदरसा बनाओगे, स्कूल बनाओगे, साडा की फ्यूचर दा प्लान है तुहाडा? साडा प्लान ते इही ओनू संडे स्कूल ही बनाया जाए, ते सानूं ईद लई एक वड्डी स्पेस चाहिदी होंदी जिथे सारे इकट्ठे होके नमाज पढ़ सकन, साडे लई ओह वी मुनासिब जगह मिल जाएगी जिथे सारे खड़े होके नमाज पढ़ लैन, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी एलकडन थी उत्थे आके नमाज भी पढ़ेगी। उस तो अलावा साडे रमज़ान तरावियां ने, साडे लई ओह बड़ा जरूरी चीज़ सी, साडे कोल पहले बहुत छोटी स्पेस सी, जिवें लेडीज़ लई बहुत छोटी स्पेस सी, क्यों इस दे नाल सानूं की होएगा सी इहनूं मर्दां नूं इत्थे ट्रांसफर कर दांगे, पुरानी जिहड़ी साडी बिल्डिंग है उत्थे सारी लेडीज़ उत्थे औरतां जिहड़ियां ने नमाज पढ़नगे, खेलनगे, या जो भी है ओह उत्थे कर अपना सारा सिस्टम करन। चार बच्चे ने जिन्होंने हले स्टार्ट किया, बाकी साडे कोल 20-30 बच्चे ने जिहड़े कुरान नूरानी कायदा पढ़न आंदे ने, नाजरा पढ़न आते ने, नमाज सीखन आते ने, छोटे बच्चे जड़े ने, बाकी असी कुरान तौहीद ओदे अलावा कुरान की तलावत वसी करन ले भी यंग बंदियां नूं भी एडवाइस करने हैं कि तुसी भी आओ आके साडे कोल बैठो सीखो, ते ओ भी सारा सिस्टम साडा है। जनाब ये तुसी अमरीका दे शहर स्टेट जड़ी है मैरीलैंड एलकटन च सब कुछ कर रहे जे जी, क्या तुहानू इत्थों कोई गवर्नमेंट वालों या मुकामी कम्युनिटी वालों कदी कोई तुहानू कोई दिक्कत दा सामना ते नहीं करना पिया? कोई रुकावट ते नहीं? मजहबी आजादी है या नहीं इत्थे? बिल्कुल है, मजहबी आजादी बिल्कुल है, ते सानू कदी इस तरह दा कोई सिनेरियो या कोई ऐसा सी कोई मिसहैप साडे नाल हले तक ते कोई इस तरह दा पेश नहीं आया। शेख अब्दुल हादी ए डेनवर दे जिहड़े ने किंग इमाम ने, ते ओ भी मतलब जड़ा है ना कुरान सुन्नत दे मुताबक जड़ा है ना जी ओ दसदे पे ने
कि अल्लाह ताला ने फरमाया वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मसाजिद दी जड़ी ये खिदमत करना जड़ा है ना कितनी बड़ी सादत है और जड़ा बंदा इत्थे मस्जिद बनांदा है कि अल्लाह ताला जड़ा है जन्नत उल फिरदौस दे विच उन्हां वास्ते आला मकाम जड़ा है ना जी अता फरमांदे ने उत्थे महल जड़ा बना दिंदा है। इस तों बाद कम्यूनिटी वास्ते बड़ा अच्छा डिनर का भी इंतजाम किया गया सी और तुसी ये देख सकते जे कि लोग जड़े ने जी अपना डिनर दे उत्तों भी इंजॉय करते पे ने और काफ़ी ज़्यादा तादाद दे विच कम्यूनिटी हजरात ने जड़ा इत्थे शिरकत की उन्हों खाना जड़ा उन्हां नूं तकसीम किया गया और अज दे इस फंड रेजिंग दे फंक्शन दे विच जड़ा एक अंदाजे दे मुताबक तकरीबन 70 to 75 हज़ार डॉलर जड़ा है ना जी वो मस्जिद वास्ते जड़ा इकट्ठा होया जड़ा प्रॉपर्टी नवी खरीद रहे हैं नवी प्रॉपर्टी खरीदन वास्ते जड़ा जड़ियाँ एफर्ट जड़ियाँ ने वो जारी हो सारी ने ते इत्थे मुकर्ररीन ने जड़ा लोगों नूं कुरान और सुन्नत दे अहकामात दे मुताबिक जड़ा है ना जी यही अपील की है कि तुसी जिन्ना हो सके के खिदमत करो ताकि असी जड़ा मस्जिद की प्रॉपर्टी जड़ी है मजीद जड़ा खरीदी है और मैनू पता चलिया कि इत्थे जड़ी वो प्रॉपर्टी मस्जिद के नाल जड़ा खरीदी जा रही है वो तकरीबन जड़ा है ना जी 380,000 डॉलर की उन्हें मालक ने जड़ा है ना जी वो बेचने लगाई सी ते जो उन्हें देखिया वे कि अगर जी वो मालक जड़ा वे गैर मुस्लिम है तो मगर जिस वेले उन्हें देखिया कि जी के ए लोग ते जड़ा है ना जी अल्लाह ताला दी इबादत वास्ते ये बना रहे ने ते उन्हें जनाब जड़ा है ना जी तकरीबन 50-55 हज़ार रुपया जड़ा है उसकी कीमत भी घट कर दिती है। लो मेरे भराओ सजनो बेलियो दोस्तो ऐदा सी मेरा वीलॉग ते मेरी दिली दुआ है कि हमेशा तुसी खुश रहो आबाद रहो बसते रहो हसते रहो खेडते रहो ते मेरे चैनल दे नाल भी जुड़े ही रहो ते अल्लाह हाफिज़ मिलने किसी होर वीलॉग च।